जन्माष्टमी ठारु श्रीमंदिर रे आरंभ होइथुबा श्रीकृष्ण लीलाक्रम रे भाद्रव कृष्ण दशमी अवसर रे श्रीमंदिर रे श्रीजीवंक बनभोजी बेश अनुष्ठित होइ जायछि। ए बनभोजी बेश दर्शन पई बहु भक्तंक समागम होइथिला। श्री जगन्नाथंकु श्री बलभद्रंकु साक्षात कृष्ण बलराम रूपरे एही बेशरे सजा जाई दुई भ्राता बनभोजी पई गमन करथुवार दृश्यकु प्रतिभात करा जायथिला। संध्या रूप बेशरे बडबाडरे खंडिए ओ महाप्रभुंक बाडरे खंडिए आज्ञामाळ लागि करा जायथिला। मध्यान धूप सरी भितर पानी पड़ा और दक्षिणी घर भोग सर पर महाजने रामकृष्ण दुई मूर्ति को दक्षिण घर आनी भितर सिंहासन विजय कराइले। पूजा पंडा द्वारा बड़ बाड़ राम और श्री जगन्नाथ बाड़ कृष्ण को आज्ञामाल प्रदान कर महाजने बटद्वार ठारे पालिंकी में दुई ठाकुर को विजय कराइले। विमान बड़ मान घंट छता काहाड़ी सह पालिंकी में नहीं सिंहद्वार संलग्न बड़छता मठ निकटे काठ सिंहासन दिओं को विजय कराइले। सेठारे कोळी बिका नीति संपन्न होइथिला। जणे व्यक्ति सबरुणी बेसरे बेसो होई गुआ कोळी ओ नडिया पाती एकत्र करी पाणीर फळ सिंगडार कोळी खाइबो आसय पुए बोली डाक देथिले। भितरछ महापात्र एही सबरुणी ठारु कोळी नै रूपा पिंगणरे रखी समर्पण करी मणोही कराइथिले। पूजा पंडांक द्वारा शीतल भोग समर्पण करा जिबा परे भितरछ महापात्र बंधापना करथिले ओ दिह श्रीमंदिर को बाहुडा विजे करी जगमोहनरे थिबा खट उपरे विजे करथिले। सियाड़े किए लगे रामकृष्ण जगमोहन रे थिबा खट उपरे विजय हेबा परे बालिसाई लोकंक द्वारा बकासुर वध प्रस्ताव करा जायथिला। जणे श्रीकृष्ण ओ जणे बकासुर बेश होई बकासुर वध लीला करथिले। हरचंडी साहि लोकों द्वारा अर्घासुर वध प्रस्ताव करा जायथिला। अर्घासुर वध लीला परे शीतल भोग समर्पण और बंदापना संपन्न होई रामकृष्ण दक्षिणी घर को विजय करथिले। रामकृष्ण दुई मूर्ति विजय होई जाई सारिबा परे पुष्पालक सेवक मानक द्वारा तीन बाड़े बनभोजी बेश करा जायथिला। एही बेशरे ठाकुर माने श्रीहस्तरे शिकारे रूपा पिंगण और लौड़ी धारण करथिले। बनभोजी बेशरे गोपाल बालक बेशधारी श्रीजीव माने बनभोजी उद्देश्य रे बन को गमन करथुवा दृश्य प्रकटित होइथिला। श्री जगन्नाथ और श्री बलभद्रंक श्रीमस्तक उपरे बेत सोल और कनारे निर्मित चूलरे खोसा जाइथिला स्वर्ण किया। श्री जगन्नाथ और श्री बलभद्र श्रीहस्तरे धरिथिबा कना और जरी रे तियारी शिकारे रूपा पिंगण रखा जाइथिला। ए पिंगण रे रखा जाइथिला सर बनभोजी बेशरे देवी सुभद्रांक स्वर्ण किरीट रे भूषित करा जाइथिला। प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र स्वर्ण श्रीभुज और स्वर्ण श्रीपयर परिहित होइथिबा बेले श्री जगन्नाथ स्वर्ण निर्मित हस्तपद्म धारण करथिले। जगन्नाथ और बलभद्रंक मस्तक 50 टी स्वर्ण किया खंजा जाइथिला।
देवी सुभद्रा को दुईटी सुवर्ण कान लागी करा जायथिला। जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा सेवतीमाळी, बलभद्र बाघनखीमाळी, श्री जगन्नाथ हरिडा कदमवाळी और ताबिजमाळी, जगन्नाथ बलभद्र श्रीमुख पद्म चंद्रिका तिलक धारण करथिबा बेले तीनि ठाकुर को सुवर्ण ओडियाणी घागड़ामाळी और अलका लागी करा जायथिला। जगन्नाथ बलभद्र बाहाड़ामाळी और कदमवाळी रे भूषित होइथिले। एई बेसरे ठाकुर माने स्वतंत्र धरणर दुईटी खुआपेड़ा माळी धारण करथांती। पाटजोशी महापात्र घर एक खुआ पेड़ा आसी था। सूचना योग्य जे गोपलीला समय श्रीकृष्ण बलराम गोवत्स्य संगे बनभोजी उद्देश्य बनगमन करते। स्मृति में भाद्रव कृष्ण दशमी तिथि बनभोजी बेश अनुष्ठित होता है। बेश रत्न सिंहासन काठरे तैयारी दुईट लेखाएं गाई बाछुरी रखा जाए था। गजपति महाराजा प्रताप रुद्र देवंक राजस्व समय रे एही बेश आरंभ होइथिला बोली कुहाजाए। गजपतिंक अमात्य उपदेष्टा राय रामानंद श्री चैतन्यंक प्रभाव रे ठाकुर मानंकर आकर्षणीय बनभोजी बेश प्रचलन कराइथिले। एही बनभोजी बेश दर्शन पई श्रीमंदिर रे भक्त मानंकर भिड़ परिलक्षित होइथिला। बनभोजी बेश उद्देश्य रे सिंहद्वार सम्मुख रे आकर्षणीय लौड़ी खेल प्रदर्शन करा जायथिला।